आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मानसून की मेहरबानी देखने को मिलेगी। राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक राजधानी लखनऊ समेत राज्य के बीच जिलों में बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि एक दो दिन पहले लखनऊ प्रयागराज में हल्की बारिश हुई, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। चलिए जानते हैं कि वो कौन से जिले हैं जहां बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, आगरा, मथुरा, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, संत कबीरनगर और फर्रुखाबाद में तेज बारिश के साथ करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने के लिए भी लोगों को चेतावनी दी गई है। चलिए अब जानते हैं कि कितने जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो आपको बता दें मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इनमें हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली, गोंडा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर और बस्ती शामिल है। अलर्ट के मुताबिक इन जिलों में 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। चलिए अब जानते हैं कि क्या होता है ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट का मतलब। ग्रीन अलर्ट की अगर बात करें तो इस अलर्ट का मतलब होता है कि कोई खतरा नहीं है, बारिश की संभावना नहीं है। येलो अलर्ट की अगर बात करें तो ये अलर्ट आने वाले खतरे के प्रति सचेत करता है। मौसम विभाग, मौसम विज्ञान विज्ञान जैसे जैसे खराब मौसम होता है वैसे वैसे येलो अलर्ट को ऑरेंज अलर्ट में बदल देता है। ऑरेंज अलर्ट की अगर बात करें तो बारिश और आंधी की पूरी संभावनाएं होती हैं। इस अलर्ट का मकसद लोगों को सावधान करना होता है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए सतर्क करता है। इसी बीच आपको बता दें रेड अलर्ट के बारे में, तो इस अलर्ट का मतलब होता है कि मौसम ज्यादा खराब है, भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे मौसम में लोगों को बाहर जाने से बचना चाहिए। आपको बता दें आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता बताते हैं कि कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इसलिए आज और कल बारिश हो सकती है, पर अगर झमाझम बारिश का इंतजार है तो एक हफ्ते अभी और ठहरना होगा। यूपी में पारा दो बार 40 डिग्री पहुंचा। अगर बात करें पारे की तो दो महीने में दूसरी बार पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचा है। मई में पारा बिना 40 डिग्री के पार निकल गया था। 1 मई को तापमान 39.6 डिग्री था, जबकि अंतिम सप्ताह में 27.8 डिग्री रहा। इसी तरह 7 जून को आपको बता दें कि पारा 40.6 डिग्री दर्ज हुआ और अन्य दिनों में 38 डिग्री से शुरुआत हुई जो 39.4 तक पहुँच गया है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों का पूरा अनुमान है कि यूपी में कुछ दिनों से झमाझम बारिश होने वाली है। पश्चिमी यूपी और तराई इलाके बारिश से झूम जाएंगे। इसी बीच आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां गर्मी की मार जारी है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में बीते कल से मौसम सुहाना है और बारिश जैसे हालात हैं। वहीं लखनऊ में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। बता दें कि जुलाई में पारा 6 साल बाद इतना पारा ऊपर गया है। बता दें कि इससे पहले ऐसा तापमान साल 2015 के जुलाई महीने में देखने को मिला था।